हाय, आई एम डॉक्टर प्रदीप गाड़गे। जैसे कि आपने मेरे ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस देखे, आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने देखे होंगे कि क्या कैसे मेरा हेल्थ डिटीरियरेट हो गया था और फिर मैंने कैसे हेल्थ पर ध्यान दिया, वर्क कम कर दिया, एक्सरसाइज शुरू की, डाइट में चेंजेस किए, बहुत सारे स्लीप पैटर्न में, लाइफस्टाइल में बहुत से चेंजेस किए। तो मुझको काफ़ी पेशेंट्स ने ये पूछा है कि आपका डाइट क्या है, तो मैं आपको डाइट शेड्यूल बताना चाहूँगा। लिटरली मतलब मैं ऑलमोस्ट 7 से 8 बार खाता हूँ। तो सुबह जैसे ही एक्सरसाइज होता है, आई हैव 3 स्कूप्स ऑफ प्रोटीन विथ मिल्क, ये होता है रफली 7:30 बजे के आसपास। फिर 9 बजे 3 एग वाइट और उसके साथ में जो भी उत्तप्पा, डोसा या फिर जो भी पोहा, उपमा, जो भी कुछ होगा हो। फिर 11 बजे एक नारियल पानी, अगेन 2 एग वाइट, ओनली एग वाइट, नॉट येलो। फिर वापस लंच में रफली 2 वाटी थिक दाल। बहुत से लोग कहते हैं कि इतना प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे मीट होता है, सो देखिए कितना इतना खाना पड़ता है उसके लिए। 2 वाटी थिक दाल, उसके साथ में जो भी भाजी हो, चपाती, 2 चपाती, थोड़ा सा राइस होता है और एक बड़ा बाउल दही का, इतना। वापस 4 बजे जब फ्रूट्स, उस पर पम्पकिन सीड डाल के। शाम को 6:30 बजे फिर से 2 स्कूप प्रोटीन का। शाम को यूजुअली 9-9:30 बज जाते डिनर, सेम एज लंच, और सोते समय वापस से 2 स्कूप प्रोटीन के। इतना करने पे रफली 110 ग्राम्स प्रोटीन जाता है, कैलोरीज रफली 2100 के आसपास जाती है और प्रॉपरली बॉडी रिक्वायरमेंट मीट होती है। आप जिसने भी मुझको ये डाइट के बारे में पूछा था, तो ये मेरा एट प्रेजेंट डाइट चल रहा है। उसी के साथ में मैंने स्लीप पैटर्न में भी बहुत से चेंजेस किए। पहले मैं हार्डली 4 या 5 घंटा सोता था, तो अभी मैंने एक्चुअली कम से कम 7 आवर्स तो स्लीप हो ये देखा ही है। प्लस मैंने मेरे क्लिनिक के वर्किंग आवर्स कट डाउन किए। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस करने पर जाकर हेल्थ ठीक हुई है। सो आई एम श्योर आपको ये टेक होम मैसेज मिल ही रहा होगा कि सिर्फ एक चीज़ करने से हेल्थ बेहतर नहीं होती। आपको डाइट अच्छा करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ज़रूरत हो तो सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, और ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तब आपकी हेल्थ बेटर होगी। इसमें एक बात मैं बहुत ज़रूरी बताना चाहूँगा कि ये पर्टिकुलर डाइट मेरे लिए लिखा गया है, एक प्रॉपर क्वालिफाइड डाइटिशियन ने लिखा है। वो प्रॉपर सारे सर्कमस्टेंसेज, एक्सरसाइज पैटर्न, स्लीप पैटर्न, स्ट्रेन्यूअस वर्क है, नॉन स्ट्रेन्यूअस है, क्या है, वो सारी चीज़ें देखकर बराबर से प्लान किया गया है। तो आप डायरेक्टली इसको ब्लाइंडली कॉपी करने की कोशिश नहीं कीजिए। आपने कभी भी हमेशा एक प्रॉपर क्वालिफाइड डाइटिशियन को कंसल्ट करके आपके बॉडी के हिसाब से, आपके जेंडर के हिसाब से, आपके एक्टिविटीज़ के हिसाब से एक प्रॉपर डाइट शीट लिखवा के लेना चाहिए और उसको फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू।